टाइगर रोल खा लिया हम लोगों ने एंड अब चलते भाई घर की तरफ। भाई सड़क किनारे और भाई ठंड में रोल खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। भाई देखो रोल है, रोल पार्टी अपनी इंजॉय करो, अलग ही मजा है भाई। हाँ नीचे तो करो, पूरा हाथ मोड़ो। हाँ चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए भाई आप लोग। सो भाई अभी जो है 11:30 ओवर भाई सुबह के, एंड भाई इतनी बेकार वाली ठंडी पड़ रही है भाई, क्या ही बताऊं भाई, घर से निकलने तक का मन नहीं कर रहा, इतनी बेकार वाली ठंडी पड़ रही है। खैर क्या करें भाई, निकलना पड़ेगा घर से। खैर अभी तो नहीं निकलेंगे, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। और अभी अभी भी भाई धूप नहीं निकली भाई, 11:30 ओवर भाई अभी धूप नहीं निकली, 12 बजने वाले हैं और धूप नहीं निकली भाई अभी तक। खैर कोई बात नहीं, अपना काम है ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग हम लोग नहीं छोड़ सकते। एंड आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, ब्लॉग को जरूर से लाइक कर देना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखो सूरज भाई निकला ही नहीं भाई, देखो भाई अभी भाई 12 बजने वाले हैं और भाई देखो भाई सूरज भी नहीं निकला अभी तक। तो भाई सभी जो हम लोगों को जाना था बैंक, एंड भाई जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था भाई, मैं जो NCPI का वो काम करवाने गया था भाई, इतने छांटू होते बैंक वाले भाई, इतने हरामी होते साले भाई, इस क्या बताऊं। वहां मैं गया भाई, फॉर्म वगैरह सब फिल वगैरह करवा दिया, एंड उन्होंने बोला कि भाई जाओ आपका NCPI वाला काम हो गया है। एंड भाई जब हम लोग आए तो 2 दिन भाई मैं कैफे नहीं जा पाया, क्योंकि 1 दिन भाई साइड नहीं चल रही थी और अगले दिन उन्होंने कैफे अपना नहीं खोला था भाई। तो मैं आज गया था और उन्होंने बताया कि भी आपका NCPI वाला काम हुआ ही नहीं है। एंड देन आज तो बैंक बंद ही रहेगा भाई, आज सैटरडे बैंक बंद है, कल संडे और फिर मंडे को जब है क्रिसमस है, तो भाई 3 दिन बैंक बंद रहेगा, सीधा ट्यूजडे भाई। ऐसी गाली आ रही मन में, क्या कौन सी गाली दूं भाई, क्या बताऊं। यार डाउट छोड़ो, अपना ब्लॉग हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो ब्लॉग में हम लोग बने रहे ना, देखते भाई क्या करते हैं आज हम लोग पूरा दिन। सो भाई तुम लोगों के बाल भी टूट रहे क्या यार? भाई पता नहीं भाई, कुछ दिनों से मेरे बाल बड़े टूट रहे हैं। ऐसे करते नहीं भाई, जब कंघा वगैरह करता हूँ तब भाई बड़े बाल टूटते, इसलिए भाई मैं कंघा नहीं करता अब भाई, क्या बताऊँ। ऐसी यूथ चली ना हम लोग, डिप्रेशन एंग्जाइटी ये वो है, कॉलेज की टेंशन भाई, बंदी छोड़ के चली गई ये वो, डिप्रेशन भाई, कमाने की टेंशन, फ्यूचर की टेंशन। कर उसको साइड में रखो, मैं देखो भाई ये लाया इंदुलेखा तेल, इसको 2 बार लगाया था मैंने यार, थोड़ा मतलब ये बाल कम हुए थे, एंड अब 1 हफ्ते में 2 बार लगाने, तो भाई दूसरा चालू हो गया तो अभी लगाने जा रहा हूँ मैं, एंड देखते भाई इससे बाल बचते कि नहीं। नहीं होगा तो एक ही सोल्यूशन भाई, टकलाओ सीधा भाई, अगर इससे बात नहीं बनी तो सीधा टकला हो जाऊँगा। चलो देखते भाई इससे क्या होता है, अभी चलो इसको लगा लेते पहले बालों में चल के। भाई मैंने बोला था ना कि हम लोग की यूपी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, उसका नमूना अभी आपको दिखाता हूँ मैं। भाई ये देखो, ये मेरे पास तेल रखा है इंदुलेखा का, ठीक है, और ये यहीं से निकलता है भाई तेल, देखो इसी में से निकलता है भाई। और देखो भाई ये तेल भाई ठंडी वजह से पूरा जम गया भाई, देखो ये देखो भाई तेल भाई गिर ही नहीं रहा भाई, देखो ये देख लो भाई, इतनी बेकार भाई ठंडी पड़ रही है भाई यूपी में, क्या बताऊँ। ये देखो भाई पूरा दम लगाओ फिर भी भाई तेल निकल ही नहीं रहा, ये वो है भाई एक भी बोन तेल गिर नहीं रही भाई, इतनी बेकार वाली ठंडी पड़ रही यार। सो भाई देखो बालों में ऑयलिंग हो गई हम लोगों के, ऑयल लगा ली हम लोगों ने, एंड अभी इसको 1-2 घंटा रहने देंगे एंड खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद इसको धुल लेंगे भाई नहाने टाइम, शैम्पू करके धुल लेना है, पहले खाना खा लेते हम लोग। सो भाई खाना आ गया हम लोगों का, तो खाने में दे सकते हो आलू के पराठे, चटनी और दाल। तो भाई जल्दी खाना खा लेते हैं अपना, एंड देन फिर आप लोगों से मिलते हैं हम लोग। तो भाई अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं, 1 बजे मैं सो गया था और उठाऊँ भाई 3:15 पे, 3:30 बजे तक नहाने गया हूँ और नहाते नहाते हो गया 4 भाई, अभी 4 बज गए सुबह शाम के 4 भाई, ठंड में और भाई दिन बड़े बड़े होते भाई, अभी 4 बज रहा है ठीक है, और अभी हम लोग देखते कहाँ जाते हैं। सो गाइस सभी हम लोग आए हुए टहलने के लिए, एंड बहुत बढ़िया लग रहा भाई, अभी 4:30 होने वाले हैं एंड अभी कुछ ही टाइम में अंधेरा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन टहलने भाई इतना मज़ा आ रहा ना, तो अपने घर की तरफ जो इलाका भाई थोड़ा थोड़ा गांव वाला है, और उस इलाके में टहलना अलग ही एक मज़ा है भाई, फीलिंग अलग ही आती है उस टहलने इलाके में, टहलो या फिर घूमो भाई अलग ही मज़ा आता है। तो भाई अभी हमने जा रहे थोड़ा ग्राउंड की तरफ, देखे अगर कोई दोस्त मिलता हम लोगों का तो वहीं बैठेंगे, नहीं तो फिर टहल के अपने घर चले जाएंगे। जो भी होगा आपको जरूर दिखाएंगे व्लॉग में, ब्लॉग में बने रहना आप लोग, ब्लॉग को एंड तक देखते रहना। सो ये देखो भाई पूरा इलाका जो एकदम गांव वाला है,
एंड यहाँ से भाई चलते तो चलते अपने ग्राउंड, अपना ग्राउंड ये वैसे है नहीं, अपना ग्राउंड जो आर्मरीना है स्टेडियम वो वहाँ हमने पहले खेला करते थे, बट अब वहाँ भी ये हो गया भाई सिर्फ गवर्नमेंट एरिया वाले लोग खेल सकते हैं, ये रूल निकल गया, बाकी हम लोग का ही मैच होता था, हम लोग को मजबूरी में यहाँ खेलना पड़ता भाई। चलो यहीं पर चलते अभी हम लोग, तो देखो यहाँ पे मैच हो रहा भाई, छोटे छोटे बच्चे ही मैच खेल रहे हैं, एंड उस तरफ भी और उस तरफ भी मैच हो रहा देख सकते हो आप लोग। भाई ये देखो सामने छोटे छोटे बच्चों का मैच चल रहा, एंड अब ये देखो भाई ये बहुत अच्छा हो गया बैठने के लिए, देखो यहाँ पे बैठने के लिए बना दिया गया भाई, तो यहाँ मैच वगैरह या फिर होते रहते थे या लोग बैठते रहते थे, तो देखो उन लोगों के लिए बैठने के लिए बना गया और उस तरफ भी बना दिया गया, तो ये भाई सही काम है भाई, अलग ही माहौल लगता है यहाँ पे आ जाओ तो। वैसे कल अपना मैच है यहाँ पर ही 1 बजे से या 12 बजे से होगा मैच हम लोगों का, 12 बजे से वैसे होगा भाई क्योंकि ठंड का माहौल है इसीलिए जल्दी होगा हम लोगों का मैच, तो यहाँ पे कल हम लोग का मैच भी है, एंड अभी हम लोग आए भाई शाम के 5 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग आए यहाँ पर ग्राउंड में देखने के लिए। कल मैच हम लोगों का, तो पिच भी एक तरह से कंडीशन देख ली जाएगी कैसी है, बाकी पता नहीं यहाँ पे होगा कि अंदर वाली पिच पे होगा, खैर कुछ भी वो आप लोगों को कल पता चल जाएगा भाई। एंड कल 11 या 12 बजे आई थिंक मैच है अपना, आज तो होने वाला था पर आज कैंसिल हो गया, आज कोई था नहीं ज़्यादा लोग इसीलिए कैंसिल हो गया, बाकी कल होगा मैच तो कल का व्लॉग जरूर देखना आप लोग। बिल्डिंग बिल्डिंग भाई बिल्डिंग, इस उम्र में बिल्डिंग हो रही, चलो भाई चलो चलो भाई आराम से दिया। तो भाई अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, एंड अभी जो है 5:30 हो गए भाई टाइम के, और अंधेरा होना शुरू हो गया इसीलिए हम निकल गए थे घर की तरफ अपने। चलो भाई सीधा घर की तरफ मिलते हैं आपको, घर जाके मतलब घर की तरफ क्या, घर जाके सीधा आपसे मिलते हैं अब हम लोग। भाई अभी चलना हम लोगों को सब्जी लेने के लिए, क्या करें भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती घर पे भी, सब्जी लाना दूध ब्रेड अंडे ये सब लाना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई चलो चलते हैं भाई, अभी मम्मी ने बोला जाओ सब्जी भी लेकर आओ सामान लाना कुछ, तो चल तो चलते लेकर आते भाई। तो भाई पहले हम लोगों को जीरा और सोयाबीन लेना, तो पहले चल तो वही ले लेते भाई यही पास में मिलता है, पहले चल के वही लेते हम लोग। चलो भाई चलते भाई, अभी भैया गए लेने के लिए, एंड अभी सामान निकाल ले अपना। बाकी भाई देखो रोड का हाल हमेशा चहल पर रहती भाई, ये रोड में हमेशा जाम मिलेगा बस। तो भाई अभी उन्होंने पहला सामान अपना ले लिया, एंड अभी चलना है मूली और मटर लेने के लिए, तो भाई चलो चलते हैं जल्दी, एंड ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो रखी है, शाम में और ज़्यादा ठंड लग रही भाई अपनी तरफ, और ज़्यादा ठंड लगती है और ज़्यादा लगती, पेड़ पौधे यहाँ पे ऐसा ज़्यादा है ना इसीलिए यहाँ पे ठंड और लगती भाई। भाई चलो मूली छांटो भाई चल के, अब मूली देखो मूली देख दो भाई, मूली देखो चल के, आगे एक बेचता मूली वाला उसके पास चलते हैं भाई, वो सही लगाता रेट तो वहीं चलेंगे अभी हम लोग। और क्या भाई 5-5 10-10 रुपये बचाने चाहिए भाई, तभी तो खाने को मिलेगा उसमें से, जो बचेगा वो अपना है पैसे में से जो बचेगा। तो भाई चलो वहाँ पे देखो मूली वाला लगाया, तो वहीं चलते हैं अभी। चलो देखो तो भाई देखो 10 का आधा किलो मूली, आधा किलो कर दो भाई देखो जाम, एंड मूली देखो भाई इतनी फ्रेश है भाई। चलो मूली और मटर भी ले लिया गया, वो भाई मुझसे पूछ रहा है कि भाई वीडियो बनाते हो क्या तुम भी, मैंने कहा हाँ भाई काम ही यही है अपना। तो भाई चलो और क्या लेना था, और बाती लेनी भाई जो मंदिर में वो आरती के लिए जलाई जाती बाती, वो लेनी भाई, चलो वो ले लेते चल के, जो रुई की बाती आती है ना वो लेनी है, तो चलो चल के चलते लेके आते जल्दी भाई, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई। चलो कुछ खा कर आते हैं भूख लगी हुई है, मैं सोच रहा हूँ एग रोल चल के खाते हैं, तो भाई चलो चलते हैं एग रोल खाने, पास ही में लगाते अपने घर की तरफ, वहाँ चलते हैं एग रोल खा कर आते हैं। चलो अगर तुझे हो क्या,
भाई सड़क किनारे और भाई ठंड में रोल खाने का मजा ही कुछ अलग होता है भाई। देखो रोल है, रोल पार्टी अपनी एंजॉय करो, अलग ही मजा है भाई सड़क किनारे रोल खाने का, बैग रोल अलग मजा है। एक रोल खा लिया हम लोगों ने एंड अब चलते भाई घर की तरफ, घर चलते अब सीधा। अबे ठीक से कर, ठीक से कर। गाइस देखो हम लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज रात को करते हैं 8 बजे ना अंशु। हाँ। तो ठीक से मारो ये पैर, देखो ये पैर सीधा करो। हाँ। पैर सीधा करके इधर फिर इधर अच्छे से मोड़। हाँ। पैर थोड़ा उठा, हवे में उठा, हवे में पैर, हवे में पैर, हवे में उठा अबे ऐसे। हाँ पैर ऐसे हवा में रखे रहो, नीचे ना लाओ। 2 3 4 5 6 बहुत बड़े। अबे ये मुंडी नहीं लानी ऊपर, ये लाओ और फिर मुंडी साथ पूरा ये ऊपर लेकर आओ, पेट दबना चाहिए। फिर मुंडी ला रहा, पैर भी लाओ वो भी लाओ, मैं काम करो इधर पैर ऐसे नीचे रखो। हाँ। ठीक हाँ पूरा वो लेकर और आ गया, पैर हम पकड़े हैं और आ, पेट जो है ये दबना चाहिए, पेट दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर 9 10 ठीक है अभी थोड़ा ही थोड़ा करो तो ठीक है, ठीक है थोड़ा। हाँ। थोड़ा भी करो, मार कितना मारोगे और झुक ये नीचे, ये पिछवाड़ा नीचे। हाँ पिछवाड़ा थोड़ा नीचे करो अब पूरा, देखो पूरा ले, पूरा हाथ मोड़ो, पूरा हाथ और मारेंगे यहाँ पर, फिर कर हाथ मोड़ पूरा हाथ, ये नीचे करो ये। हाँ पिछवाड़ा नीचे, 1 2 3 हाँ नीचे तो करो, पूरा हाथ मोड़ो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है रही ना तो अपना तोंद कम करना, एक महीने तक तोंद कम हो जाएगा। ठीक है ठीक। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वर्कआउट करके नीचे, क्योंकि 1.5 घंटा हम लोगों ने वर्कआउट किया था। तो खैर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक जरूर से कर देना, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज कल वहीं पर एंड करते हैं।